चैप्टर पॉलीनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5 का सम नंबर 8 आज हम करेंगे। सम नंबर 8 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये पॉलीनोमियल हमें गिवन है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। उसके लिए ये दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब। दूसरा फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब। अगर सारे साइन प्लस के हैं तो ये फार्मूला यूज होगा, अगर साइन माइनस के आते हैं तो ये दूसरा फार्मूला अप्लाई होगा। जहां सारे साइन प्लस के हैं इसलिए पहला फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। ए क्यूब इक्वल है 8 ए क्यूब के, यहाँ से ए की वैल्यू निकलेगी। 8 जो है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके बनता है और ए क्यूब जो है वो ए को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके बनता है, तो ए की वैल्यू आ गई 2 ए। बी क्यूब जो है वो इक्वल है बी क्यूब के, तो इसलिए बी की वैल्यू बी आएगी। ए की जगह पे हम लिखेंगे 2 ए, बी की जगह पे लिखेंगे बी, और पहले आता है ए क्यूब। ए की जगह पे 2 ए, ऊपर क्यूब आ गया, प्लस बी क्यूब, बी की जगह पे बी, ऊपर क्यूब, प्लस 3 ए स्केयर बी, ये 3 आ गया। ए की वैल्यू 2 ए स्क्वेयर और बी की वैल्यू बी, प्लस 3 ए बी स्केयर, यह 3। ए की जगह पे 2 ए, बी की जगह पे बी, ऊपर स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब। ए की जगह पे 2 ए प्लस बी की जगह पे बी होल क्यूब, इसको हम 3 टाइम लिखेंगे। 2 ए प्लस बी, 2 ए प्लस बी, 2 ए प्लस बी, ये 3 जो हैं इस पॉलीनोमियल के फैक्टर आ गए। इसके बाद हम करेंगे सम नंबर 9। सम नंबर 9 वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। उसके लिए हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, ये वाली राइट हैंड साइड लिखी। अब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। एक्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे सारी ब्रैकेट से, ये एक्स लिखा, आगे ब्रैकेट आ गई ये वाली, फिर प्लस वाई, प्लस वाई को इसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर बन गया एक्स क्यूब, एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई तो मल्टीप्लाई करके आ जाता है माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाई स्क्वेयर से तो आता है एक्स वाई स्क्वेयर, प्लस वाई को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो आया एक्स स्क्वेयर वाई, वाई को माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, वाई को प्लस वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो आया वाई क्यूब। अब माइनस एक्स स्क्वेयर वाई और प्लस एक्स स्क्वेयर वाई ये कैंसिल हो जाते हैं, प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर ये कैंसिल हो गए, तो बाकी बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। एक्स का मतलब है कि दोनों इक्वल है। अब हम सम नंबर 10 करेंगे। सम नंबर 10 फैक्टराइज करना है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। फैक्टराइज करने के लिए ये दो फार्मूले हैं। पहला, अगर प्लस का साइन है तो ये फार्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अगर माइनस होगा तो ये फार्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ प्लस का साइन है इसलिए पहला फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। ए क्यूब इक्वल है 27 वाई क्यूब के, 27 आता है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके, वाई क्यूब आता है वाई को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके, तो
तो ए की वैल्यू आई 3y। इसी तरह 125z³ जो है वो इक्वल है बी क्यूब के। 125 फाइव को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके आता है, जेड क्यूब जेड को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके आता है, तो बी की वैल्यू आ गई 5z। अब ए की जगह पे लिखेंगे 3y, बी की जगह पे लिखेंगे 5z। तो जी ये पहले आता है ए क्यूब, ए की वैल्यू आ गई 3y और ब्रैकेट में ऊपर क्यूब ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी की वैल्यू आ गई 5z³ इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए की वैल्यू 3y प्लस बी की वैल्यू 5z। फिर आ जाता है ब्रैकेट में ए स्क्वेयर, ए की वैल्यू 3y स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस ए की वैल्यू 3y बी की वैल्यू 5z प्लस बी स्क्वेयर बी की वैल्यू 5z². इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये सेम आ गया 3y प्लस 5z। 3y² का स्क्वेयर करेंगे 339 वाई का स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 3515 yz प्लस 5525 जेड का स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। और ये दो हैं इसके इस पॉलीनोमियल के फैक्टर आ गए।